वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये फार्मरों के लिए काला कानून वापस लो, वापस लो, जय जवान, जय किसान, जय जवान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं सलीम सैयद नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुमरा के वाई जंक्शन पे, जहाँ अभी कुछ देर पहले एनसीपी पार्टी द्वारा जो है किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, किसान विरोधी बिल को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो है शमीम खान, एनसीपी के शमीम खान, एनसीपी नगर सेवक अष्टा पठान शानू, रेहान पित्तलवाला वगैरह, जावेद मेडिकल वगैरह जो है यहाँ पे मौजूद थे, जिनको अभी कुछ देर पहले यहाँ की जो है लोकल पुलिस ने जो है उनको धरना देने के विरोध में अभी यहाँ से उठा करके लेके, बता दें आपको कि किसान विरोधी बिल को लेकर के मुंबई में कई सारी पार्टियां, जैसे एनसीपी है, शिवसेना है, समाजवादी है, ये सारी पार्टियां जो है यहाँ पर आज एक साथ इकट्ठा होकर के जो है किसान विरोधी बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मोबाइल आ रहा सामने, आगे मचा, आगे मचा। अरे क्या जा रहे हैं सीधा ऊपर लो, ऊपर 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 भाई, विषय माता, विषय माता, हाथ मत दाओ। अरे काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये फार्मरों के लिए काला कानून वापस लो, वापस लो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसानों का काला कानून वापस लो, किसान विरोधी, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसानों को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नरेंद्र मोदी लेना, लाइव चला रहा है, हम लोगों से काम आता है, थोड़ा पीछे आड़ा कर दो, खाली थोड़ा जरा पीछे, नहीं आया चलाने तो आगे दबे लो। सामने देखो, सामने सामने सामने, आसिम भाई, आसिम, अरे दो तीन दिन की टाइम कुर्बान कर, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
किसान विरोधी बिल को लेकर के जिस तरह हमने आपको देखा है कि यहाँ पे किस तरह से आंदोलन किया गया एनसीपी पार्टी की तरफ से, शिवसेना पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, और क्या कहा इन सारे मामलों में अशरफ पठान शानू, शमीम खान, राजीव अंसारी और अनवर कच्ची ने, वो हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन शानू के साथ समीर सैयद, नजर इंडिया न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार, मुमरा की आवाम, हम लोगों ने मिलकर के आज जो इनके काले कानून हैं नरेंद्र मोदी जी के, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने एक एहतजाज किया। वो बिल जलाई जो किसानों के हित में वो बिल नहीं है, इनका जो काले कानून की बिल है उसको जलाया गया। ट्रैक्टर को लेकर के हम लोगों ने हमारे विधानसभा कार्यालय ऑफिस से वाई जंक्शन तक हम लोगों ने एक रैली निकाली, वहाँ जा कर के हम लोगों ने एहतजाज किया। हमारा मैसेज यही है कि आज देश का हर एक किसान कहीं ना कहीं वो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, आज कहीं ना कहीं वो आप अगर देखेंगे तो आज दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के इस ठंडक में, जो कड़क ठंडक है, जहाँ पे इंसान को कंबल की ज़रूरत है, चादर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, लेकिन उनको इसकी फिक्र नहीं है। तकलीफ़ तो बहुत है उनको, लेकिन उनको इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनको इसकी फिक्र है कि हमारे देश के साथ में क्या हो रहा है, किसानों के साथ में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की ये जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे किसानों के साथ जुर्म और ज़्यादती कर रही है। एक नारा था जय जवान जय किसान, मैं कहना चाहता हूँ जय जवान जय किसान का नारा फेल हो चुका है। देश का ये नारा था ना, ये जवान के साथ में है ना ये किसान के साथ में है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आज यही अच्छे दिन हैं। आज दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली का बॉर्डर देख लो आप, तो पूरा बॉर्डर बंद हो गया है, पूरे बॉर्डर तक लोग किसान पहुंच चुके हैं। ये मुंबई, ये मुमरा कलवा ही की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के कोने से आएगी और इनको ये काला कानून इनको वापस देना पड़ेगा। जैसे रेलवे स्टेशन बेच दिया, जैसे एयरपोर्ट बेच दिया, जैसे देश को बेच दिया, उस तरीके से आज किसान को भी बेच दिया।